सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक थलका एक तिलक की दीवानी। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਬੇਬਾ ਨਾ ਭਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਬਾ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਹੱਸਣੇ ਲੱਗੀ ਥੀ ਹੱਸਣੇ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ हाँ तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। आई विश आप सब बढ़िया होंगे और आप लोग का रैंक पुश भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो आज की वीडियो गाइस अगेन हैकर के ऊपर ही है, बिकॉज क्या करें गाइस, BGMI में ये सीज़न तो गाइस हैकर ही हैकर है। आपने जस्ट अभी देखा होगा वीडियो में भी, लाइक मैं एक नॉर्मल सा रोटेशन मार रहा हूँ और उतने दूर से बंदे ने AKM के थ्रू मुझे इतना डैमेज दे दिया। और ये मैच में भी गाइस अगेन हैकर ही है, बट वो मुझे मारता नहीं है और एंड में हम सेकेंड पोजिशन पर मर जाते हैं बिकॉज ऑफ हमारी गलती की वजह से, हम थोड़ा सा हील नहीं होता इसीलिए, और उसके बाद हमसे चिकन मिस हो जाता है। तो कोई ना, बात करते हैकर ही गाइस। तो BGMI में गाइस रैंक पुश वेस्ट ऑफ टाइम है। लाइक मैं खुद अगर डेली 10 मैचेस खेलता हूँ तो मैं 10 के 10 मैचेस हैकर ही से ही मरता हूँ, एक एक बुलेट्स में रोटेशन के टाइम, और या फिर वो हम पे पुश करते हैं जोन के बाहर में हिल बिल करता हूँ तभी भी, या फिर गाइस अगर गलती से रोटेशन में या फिर थर्ड पार्टी में मर जाए लेजे बनते जैसे बात अलग है, वरना गाइस मैं मैक्सिमम टाइम तो हैकर से ही मरता हूँ रैंक पुश में। और यहाँ पर गाइस हमने थोड़ा एक्सपेक्ट किया था कि लाइक जब BGMI iOS पे आएगा थोड़े हैकर्स कम हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ है। जब BGMI एंड्रॉयड पर था तब भी उतने हैकर थे, और iOS पे आने पर अगर लाइक कमी हुई है तो सिर्फ एक या दो हैकर, वरना लॉबी में 3-4 हैकर तो रहते ही हैं। पहले एंड्रॉयड के टाइम पर BGMI में हर मैच में लाइक 5 से 10 हैकर मिलते थे, अब लॉबी में 2 या 3 हैकर तो होते ही हैं जो आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाते हैं 4th zone के बाद। आपको पता ही है क्योंकि बिकॉज जोन इतना छोटा हो जाता है कि लाइक आपको अगर रोटेशन मारना है तो आपको बंदों के क्लोज रोटेशन मारना ही पड़ेगा बिकॉज जोन इतना छोटा है, और अगर सामने वाला बंदा हैकर रहा तो वह आपको एक ही स्प्रे में लाइक 1-2 बुलेट्स में गिरा देगा। तो ये सीजन तो गाइस हमें हर एक गेम प्ले में हैकर मिलने वाले ही हैं, और वीडियोज़ में भी गाइस कुछ कर नहीं सकते। तो और बहुत सारे बंदे मुझे बोलते भी लाइक हम आपको देखते हैं हैकर्स का गेम प्ले नहीं, तो गाइस हम भी क्या करें, ये सीज़न हर एक मैच में हैकर ही मिलते हैं। लाइक स्टार्टिंग में 3-4 किल्स तो निकाल लेते, बट उसके बाद क्या गाइस, जैसे ही जोन छोटा होता है जैसे ही हम उनके रेंज में जाते हैं तो हमें 1-2 बुलेट्स में गिरा देते हैं। बट मैं ट्राई करूँगा लाइक अच्छे अच्छे गेम प्ले निकालूंगा अगर उस लॉबी में हैकर ना रहे तो। तो चलिए अब बात करते गेम प्ले की। अब यहाँ पर गाइस देखो जोन छोटा हो चुका था तो मैं सीधा जोन के मिड में कंपाउंड था, लाइक जोन के मिड में नहीं, एक अच्छी खासे पोजीशन पे जोन पे कंपाउंड था थोड़े से एज पे, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुश करता हूँ और लकीली यहाँ पर कोई होता नहीं है कि इतने में यहाँ पर एक US आती है अपर रिच पर, और ये बंदा तो था गाइस पता नहीं इसने किस टाइप के नशे किए थे। लाइक ये मेरे साइड से पूरा ओपन था, भले ही मुझे स्पॉट नहीं होता लेकिन मुझे आइडिया आ चुका था लाइक ये गाड़ी और जो बुश है उसके कॉर्नर साइड में लेटा होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फायर लेते हैं और जैसे ही मेरी बुलेट करंट होती है तो हम इसे इजीली मार देंगे। अब यहाँ पर गाइस मैं आराम से होल्ड करता रहता हूँ कि इतने में यहाँ पर ऊपर एक और गाड़ी आती है जो फिलहाल के लिए BIDM है। अब यहाँ पर गाइस मैं ट्राई करता हूँ कि चलो इसकी BIDM फोड़ी जाए, बट इतने में बंदा यहाँ से एक BIDM लेके निकल जाता है। और यहाँ पर गाइस मैं जैसे ही लाइक बंदों को स्पॉट करता रहता हूँ कि इतने मुझे सामने वाले रिच के ऊपर एक बुश के पीछे एक बंदा स्पॉट हो जाता है, तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ उसका कि लाइक वो जैसे ही ओपन में आएगा तो हम उसे मारेंगे बिकॉज जोन उसके पास था नहीं। अब यहाँ पर जोन को आने में गाइस सिर्फ 2 सेकंड बचे थे कि इतने में वो बंदा बगी निकलता है। अब यहाँ पर गाइस इसे मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, बट फिलहाल के लिए रिच के कवर की वजह से बच जाता है, और इतने में ये बंदा गाइस सामने वाले शैक पर आता है।
और यहाँ पर भी गैस इससे मेरे एक आधा बुलेट्स पड़ जाती है और ये बंदा बहुत डैमेज था। अगर क्लोज में होता तो गैस इस पर मैं पुश कर देता, बट वहाँ पर वो शेक में जाके इजीली हील वगैरह कर लेता है। और फिलहाल के लिए हम यहीं होल्ड करते हैं। अब यहाँ पर गैस मैं बंदे स्पॉट करने के लिए जैसे ही बाहर आता हूँ, कितने में सामने से शेक वाले बंदे ने मुझे अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। तो फिलहाल के लिए मैं इसी वॉल पर रहता हूँ और अपने आप को हील करता हूँ। कितने में जो बंदा था गैस वो मुझ पर क्लोज इन करना स्टार्ट कर देता है बिकॉज उस पर जोन था नहीं, और इतने में ये पत्थर के कवर में आ जाता है। तो यहाँ पर मैं बस वेट करता हूँ कि लाइक ये ओपन में जैसे इस स्पॉट से मारूंगा, बट यहाँ पर ये ट्री और पत्थर के कवर में लाइक सामने वाले जो लकड़ी का शेक है वो वहाँ पर आ जाता है। और जैसे कि इस मुझे यहाँ पर साउंड जाता है उसका क्लोज इन का लाइक लकड़ी के शेक पे, तो हम यहाँ पर उस पर नेट्स वगैरह ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर गाइस मैं अपना पहला नेट तो मिस कर देता हूँ, बट यहाँ पर मैं अपना सेकंड नेट मिस नहीं करता हूँ। कितने में गाइस मुझे पीछे वाले लाइक मेरे जो सोलो कंपाउंड है वहाँ पर एक बंदे का साउंड आ जाता है। तो यहाँ पर गाइस लास्ट चार बंदे बचे थे, जिसमें से एक बंदा हमारे राइट साइड वाले स्मोक में था और एक बंदा हमारे पीछे, और जो लास्ट बंदा गाइस उसका मुझे आइडिया नहीं था। तो फिलहाल के लिए मैं जो पीछे वाला बंदा है वो हम पे क्लोजिंग कर रहा था, तो इस पर गाइस मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ, बट इतने में वो बंदा पीछे जा चुका था। तो मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ और बंदे स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ बिकॉज यहाँ पर हमारे अपर रेंज पे दो बंदे थे। अब इतने में गाइस यहाँ पर मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है, तो यहाँ पर मैं जैसे उस पर नेट ट्राई करता हूँ कि इतने में जो सेकंड बंदा था गाइस अपर रेंज वाला वो उसे मार देता है। तो यहाँ पर गाइस लास्ट तीन बंदे थे। अब यहाँ पर गाइस जो अपर रिच वाला बंदा था वो फिलहाल के लिए हमसे थोड़ा सा अपर मतलब अपर ग्राउंड था, तो फिलहाल के लिए बंदा मुझे नॉर्मली स्पॉट होता नहीं है, बट यहाँ पर मैं जंप मार मार के उसे स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पर गाइस जो लास्ट बंदा था वो हमें अपर रिच पे थोड़ा सा स्पॉट हो चुका था, तो उससे हम इजिली मार देंगे। और उसके बाद गाइस हमारी यहाँ पर 1v1 फाइट थी लास्ट वाले बंदे के साथ, और यहाँ पर गाइस हम जो फाइट है वो फिलहाल थोड़ा सा मिस कर जाते हैं बिकॉज ऑफ गाइस हमारे 75 SP के कारण। अगर यहाँ पर मुझे तो बूस्टर होता तो हम इसे इजीली मार लेते। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मिलते गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर।